सब्सक्राइब करें जी टेस्टी फूड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी सेठी अपने चैनल निजी टेस्टी फूड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बिगनर की सीरीज के सेकंड एपिसोड में आलू बॉईल करना सिखाऊंगी। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आलू बॉईल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 6 आलू। ये देखिए, ये मिट्टी वाले आलू हैं ऐसे। यह बहुत ही बढ़िया रहते हैं, ये शुगर फ्री भी होते हैं। जो दूसरे पीला पीला आलू होता है साफ साफ सा, वो जल्दी ही उबल जाता है। वो आपका 2 से 3 सीटी के बीच में ही उबल जाता है। ये वाला आलू फटाफट भी नहीं उबलता और इसे मीठा भी नहीं रहता। तो मैंने लिए हैं 6 आलू, थोड़ा सा आलू धोने के लिए पानी, कुकर और आलू बॉयल करने के लिए पानी। तो सबसे पहले हम आलू को अच्छे से एक एक करके धो के इनकी मिट्टी उतार देंगे और कुकर में डालते जाएंगे। एक एक आलू को आप अच्छे से धो सकते हैं और सारे भी इकट्ठे धो सकते हैं बड़े बर्तन में लेके। मैंने सभी को धो लिया है और अब मैं इसमें देखिए पानी, जिस हिसाब से आलू हैं, आलू हाफ से थोड़े ज्यादा भीगने चाहिए और 3 सीटी पूरी लगवानी है हमें। 4th सीटी जैसे ही आएगी हमें गैस ऑफ करनी है और प्रेशर नहीं निकालना है। जब प्रेशर निकल जाएगा तो हमें आलू तभी निकाल ले हैं। अब हम 3 सीटी आने तक 4th सीटी आते ही गैस बंद करेंगे। जैसे ही 4th सीटी आई हमने गैस बंद कर दी और जब पूरी स्टीम निकल गई तभी हमने कुकर को खोला है और पानी हमने आधे से ज्यादा आलू डूब गए थे उतना लिया था। और अब आप ऐसे देखेंगे, ये देखिए, ये शुगर फ्री आलू था इसलिए ऐसे हुआ है। अगर वो दूसरा वाला आलू होता मीठा वाला तो फिर वो लही सा बन जाता है थोड़ा। और अब हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा कच्चा है तो इसकी स्टीम अपने आप बन जाएगी। आप इसको ऐसे दोबारा बंद कर दें, खुद ही स्टीम बंद हो जाएगी, 5-7 मिनट में अपने आप गल जाएगा अच्छे से। अगर आपको लगे हो गया है तो आप ठंडे पानी में डालकर इसे इस तरीके से नॉर्मल 1-2 मिनट में और इसे छील सकते हैं। चाकू से या किसी मदद से भी छीलना चाहते हैं छील सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है, मैं अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।